मेरा निवेदन खुशी गांधी से साध्वी श्री कंचन प्रभा जी का संदेश के लिए। बनते मुनिश्री रश्मि कुमार जी स्वामी, मंगल कामनाएं, चातुर्मास की शुभकामनाएं संप्रेरित करते हुए खुशी एवं गर्व महसूस होता है। गुरुदेव ने कृपा कर आग्रण बताया है। प्रथम चातुर्मास विजयनगर बैंगलोर फरमाया। विजयनगर श्रद्धा संपन्न क्षेत्र है। आपके सहवर्ती मुनि प्रियांशु कुमार जी आपकी तरह श्रमशील और विनीत है। आपने धर्मचंद जी स्वामी के निर्देशन में रहकर बहुत अच्छे काम किए, संघ प्रभावना की। जहाँ भी पधारे आपने सब अच्छे अच्छे काम किए। सफलता चातुर्मास शुभकामनाएं। टी दासरली शासन श्री कंचन प्रभा जी। शुभकामना 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 शुभकामना, मंगल भावना मंगल भावना मंगल भावना मंगल भावना। सूर्य अपनी सहस रश्मियों के साथ धरती पर आता है, जगत का समीर विलीन हो जाता है। सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश, प्रत्येक इंसान में अभिनव ऊर्जा का संचार होता है। संयम की रश्मियों के साथ रश्मि मुनिश्री श्रावकों के हृदय में सम्यक्त्व का प्रकाश करने आए हैं। सुस्वागतम सुस्वागतम। महासूर्य से ऊर्जा पाकर पधारे रश्मि मुनिराज, आनंदित है विजयनगर का आज सकल समाज। श्रावक गण के कण कण में छाया अभिनव उल्लास, गुरु कृपा से करना सब खूब धर्म प्रकाश। गुरु कृपा से करना सब खूब धर्म प्रकाश। शासन श्री शिवमाला जी ओमरा। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे बेंगलोर के अंदर बड़े भाई के समान मुनि श्री अरत कुमारी स्वामी का स्नेह प्यार प्राप्त हो रहा है। इधर हमारी बड़ी बहनें दो दो जिन्होंने भी आज के इस अवसर पर मंगल कामनाएं भेजी है, उन दोनों सिंगाड़ों के प्रति साधवी श्री शासन श्री साधवी श्री कंचन कुमारी जी के कंचन प्रभा जी के प्रति। तो इधर मेरे पास में सबसे नजदीक में अगर देखो अरत कुमार स्वामी भी दूर है और सबसे पास जो है साथ है इधर आ रहा है शिव माला जी, जो बड़ी बहन के समान वो भी हमारी है। और उन दोनों सिंगाड़ों के प्रति, तीनों सिंगाड़ों के प्रति और मेरे प्रति भी, सबके प्रति हमारी यही मंगल कामना है। अपने अपने क्षेत्रों में खूब अच्छा काम हो, धर्म संघ की प्रभावना हो और सबका स्वास्थ्य मंगल रहे, अच्छा रहे। सभी सिंगारों के प्रति मेरी मंगल कामना है और उन्होंने जो मेरे प्रति मंगल कामना प्रेषित की है उसे मैं इस झोली के अंदर डाल रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। ओम राम। अब मेरा निवेदन हमारे प्रियांशु मुनि के संसार पक्षीय बड़े पिताजी मैसूर सभा के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में अनुसमिति मैसूर के अध्यक्ष शांतिलाल जी नौलखा। आराध्य देव को वंदन। परम पूज्य प्रातः समय आचार्य महासम जी को सविधि वंदना। विराजित रश्मि मुनि प्रियांशु कुमार जी एवं भरत कुमार जी, जिनका दो वर्ष पहले मैसूर में चातुर्मास हुआ था, सम्मानित मंच भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो मुनिवृंद के विहार की सुख सत्ता पूछता हूँ। आप बेंगलोर वासी बहुत ही भाग्यशाली है। कहते हैं कि जहाँ कहीं भी चारित्र आत्माएं विराजती है वो तीर्थ भूमि बन जाता है, तो आपका ये भवन चार माह के लिए तीर्थ भूमि बना रहेगा। आज का यह प्रवेश ऐसे नक्षत्र में होता है, हो रहा है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र में जब पानी की बूंद किसी सीप में पड़ती है तो मोती बन जाता है, तो आप सभी भी इस चातुर्मास में आध्यात्मिक मोती बनेंगे, यही मेरी शुभकामना। एक बार फिर मैं मैसूर सभा की ओर से, अनुमोद समिति की ओर से और नौलखा परिवार से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ओम हरम ओम हरम। अभी अभी हमारे निवर्तमान अध्यक्ष को मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया, हम सबको इन पे गौरवान्वित है। मेरा निवेदन राजेश जी चावत।
छाई रे चारों खुशियाँ छाई रे देते आज घर घर में हो देते आज घर घर में एक दूजे को बधाई रे। एक व्यक्ति था जो बहुत लोभी था। उसने चतुर्मास के दिन जिस दिन मंगल प्रवेश हुआ था मुनिश्री वृंद के पास गया और पूछा, मुनिश्री मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे मरने के बाद भी ये पैसे मेरे साथ जाना चाहिए। मुनिश्री ने कहा, ये अपित तो हो नहीं सकता, फिर भी प्रयास कर लो, यदि ये छोटा सा अंगूठी तुम्हारे हाथ में है, यदि ये भी तुम्हारे साथ जाएगा। उसने क्या किया, गांव में पता लगाया कि कोई मर रहा है, उसके हाथ में अंगूठी दे के आ गया था। नेक्स्ट दिन जब मालूम पड़ा कि वो है ही नहीं दुनिया में, लेकिन उसका अंगूठी उसके साथ नहीं गया था। छोटी सी कहानी है, हम सब यहाँ पर बैठे हैं, कहने का तात्पर्य कि है हमारी सांस निकल जाएगी, सारा धन इधर ही रह जाएगा, लेकिन जो समय जो बीत जाएगा वो वापस आने वाला नहीं है। ये चतुर्मास का जो चार महीना है वो हमें इंगित करता है कि हमें आत्मा के लिए ध्यान देना है। मुनिवृंद पूज्य प्रवर ने महति कृपा कर बिलवाड़ा से लेकर बेंगलोर तक मुनिषी का चतुर्मास फरमाया है। किनके लिए? मेरे लिए, हम सब के लिए। जब गुरुदेव का इतनी कृपा है, इतनी दूरदृष्टा है, तो हम सब का दायित्व बन जाता है आज से, इस क्षण से, कि हमें मुनिवृंदों के इन चातुर्मास का पूर्ण रूप से लाभ लेना है। मैं पूर्व कार्यकाल में अध्यक्ष का दायित्व निर्वाहन करने का एक अवसर मिला मुनिवृंदों का। सोलापुर से मुझे वहां से विहार प्रारंभ किया, लगभग 1600 किलोमीटर का विहार। कठिन दौर भी था, 2 साल पूर्व कोरोना का काल भी था, और आप लोग का सहयोग से अच्छा कार्य हुआ। मुनिवृंद का जो तेज है, मैं कई बार बोलता हूँ भिक्षु स्वामी साक्षात हमारे बीच है और उनका चेहरे में वो आभा मंडल दिखता ही है, तो हम सब ऋणी है पूज्य प्रवर के प्रति, हम सब ऋणी है इस चातुर्मास के प्रति, ऋणी है भरत कुमार जी, जो अरत कुमार जी ने आज हमारे इस विजयनगर प्रांगण में भेजा बहुत कुछ कहने के लिए। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए एक मुक्त के साथ अपनी भावना सीमित करना चाहूँगा। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गमों को भूलना जिंदगी है, जीतने का हौसला हो तो जिंदगी है, हार कर भी हार ना मानना जिंदगी है। इन्हीं चार महीनों में पूर्ण रूप से लाभ लेने का संकल्प लेते हुए मैं खुद स्वयं अपनी यत्ना पूर्वक यहाँ आने की चेष्टा करूंगा और सभी से निवेदन करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा पूज्य प्रवर का जो रश्मियाँ यहाँ पर बिखरे हुए उन रश्मियों का आनंद ले, इसी मंगल भावना के साथ ओम अरम जय जिंद्र वंदे मातरम। ये गुरुदेव की कृपा ही है कि मुझे बेंगलोर का ये विजयनगर क्षेत्र मिला, और उसमें भी मैं देखता हूँ, आने के बाद देखा मैंने रस्ते की सेवा में, उस समय कार्यकाल राजेश का ही था, और जो इसने जागरूकता से इतनी लंबी सेवा करी, बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी सेवा का दायित्व अपने खंधे पर लेना, नहीं तो बहुत टांग खींचने वाले भी संसार है, टांग खींचने वाले कहने वाले क्या जरूरत पड़ी अपने को इतना, मगर इसने किसी की परवाह नहीं की, किसी की नहीं सुनी, सारा अपने ऊपर उड़ा और इतना लंबा। इसके कारण मैं कह सकता हूँ, साफ कह सकता हूँ कि मेरी जो गोवा की यात्रा हुई, एक मध्य एक यदि पूरा सहयोग रहा। मैंने परम पूज्य गुरुदेव को जब पत्र लिखा तो ये लिखा कि मेरा बेंगलोर, मैं जब भी आया मैंने पूछ लिया गोवा जाने की भावना, इसने नहीं सेवा दे महाराणा पत्र हम आपके साथ है। फिर जब मैंने लेटर लिखा तो भी इसको टटका लिया कि देख मैं गुरुदेव को लिख रहा हूँ तैयार, मेरा मैं बिल्कुल तैयार हूँ, पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। तब मैंने गुरुदेव से निवेदन किया कि मेरा बेंगलोर विजयनगर का श्रावक समाज अध्यक्ष तैयार है गोवा तक की सेवा करने के लिए, तो गुरुदेव ने भी फटाक से मुझे आदेश प्रदान किया। तो इसका एक आधार ये भी है, और बड़ा अच्छा कार्यकर्ता श्रावक है और बहुत काम करने, मतलब इसके अंदर बहुत योग्यता है, ये धर्म संघ भी बहुत अच्छा बहुत काम कर सकता है। और अभी भी मैंने प्रवेश के अंदर देखा, हालांकि प्रकाश जी की पूरी टीम लगी हुई है, मगर मेरे आंखों के सामने ये तीन है, प्रकाश जी, राजेश और मंगल, और ये अपने ये भी है, ये सारे
ललित जी वगैरह पूरी टीम है, इनकी पूरी टीम है। एक अच्छा वर्ग, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, एक रंग लाने का प्रयत्न इन्होंने किया है, तो ये भी बड़े भाग्य की बात होती है कि एक अच्छा ऐसा माहौल मिले और ऐसे लोग, ऐसे अच्छे कार्यकर्ता मिले, ऐसे हमारे, मुझे तो अच्छा अच्छा सभा का सहयोग भी मिल रहा है, ये भी बड़े भाग्य की बात है और आगे भी मिलता रहे। यहाँ इतनी श्री नहीं करने, अभी पूरा चतुर्मास बाकी है और अच्छा मुझे सहयोग मिले, ऐसे मैं मंगल कामना करता हूँ। ओम अरम, मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो जब हमको जैसे ही चातुर्मास मिला, हम गए, मैं अध्यक्ष महोदय और 5-6 जने गए। जब मैंने देखा तो उसी टाइम मैंने राजेश जी को बोला, मैंने कहा अध्यक्ष महोदय आपने नोट किया क्या, मुनि श्री का जो चेहरा है, जो मुखारविंद है, हमने आचार्य भिक्षु को नहीं देखा है और उस टाइम तो आपके लोच नहीं हुआ था, तो डिट्टो 1-to-1 बिल्कुल आभामंडल वैसा लग रहा था। और मैंने कहा अपने प्रथम आचार्य और अभी हमारे हैं 11वें आचार्य, जो इनकी शैली है, प्रवचन की शैली, वो हमारे आज के युग प्रधान आचार्य श्री महासमुंद जी से मिलती है, तो ये हमारे लिए बहुत, विजयनगर वालों के लिए बहुत गौरव की बात है। ऐसे है, मंगल जी को एक बात कह दूं, वो तो बहुत महान आत्मा है, पवित्र आत्मा है, मैं तो उनकी कोई चिट्ठी उंगली की भी होड नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल भी उसके वो नहीं हूँ, उनकी होड होना हमारे लिए बहुत कठिन है। तो दोनों ही महापुरुष, भिक्षु स्वामी कह दूँ चाहे आचार्य महासमुंद जी कह दूँ, ये दोनों ही मेरे लिए तो बड़े पूज्य है, महान है, मैं तो कोई चिट्ठी उंगली की भी होड नहीं कर सकता। मातामी, आप बोलते हैं आप छोटे हैं, वो बड़े हैं, पर उनके पद चिन्हों पे भी आप ही चल रहे हैं। श्रावक समाज तो कब चलेगा मालूम नहीं, उनके पद चिन्हों पे आप तो 1-to-1 चल रहे हैं। और दूसरा, मैंने कल मुनिश्री के दर्शन नहीं किए, परसों दर्शन किए थे, कल यह व्यवस्था के कारण थोड़ा बिजी। मुनिश्री को मैंने कहा देखिए लगातार 4-5 दिन से बारिश चल रही है, मुनिश्री ने एक ही बात कहा, मुझे आचार्य भिक्षु गुरुदेव और मेरे बड़े महाराज धर्मचंद जी पीयूष पे पूरा भरोसा है, उनका मेरे पे आशीर्वाद है, हमारा काम, हमारी रैली, हमारा प्रवेश निर्विघ्न रूप से रहेगा, उसका आज हमने साक्षात देखा है। सुबह में जब 5 बजे देखा तो मैंने कहा आज तो मामला गड़बड़ है, 7 बजे तक मैंने देखा यार आज तो अब रैली, जैसे ही मुनिश्री का 7:31 का विहार होना था, उससे 10 मिनट पहले बारिश का रुकना, और ये हमको एक शुभ संकेत है, हमारे गुरुओं का, हमारे आचार्यों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, इसके कारण से ही हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। अब मेरा निवेदन हमारे राजाजी नगर के मंत्री श्रीमान मदन जी बोरणस से। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी को याद करते हुए परम पूज्य परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भाव भरी वंदना, मंच पर विराजित सभी चरित्रात्माओं के चरणों में भाव भरा वंदन। जैसा कि आज विजयनगर में मुनि श्री रश्मि कुमार जी का मंगल प्रवेश, चातुर्मासिक मंगल प्रवेश भव्य अहिंसा रैली के रूप में हुआ, मैं राजाजी नगर सभा की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका ये चातुर्मास सफल हो, मंगलमय हो और हम सबको धर्म की गंगा में बहाने का मौका मिले और उसमें हम सब भी जुट जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है। और जैसा कि मुनि श्री ने फरमाया कि आज अर्हत मुनि भी यहाँ पधारने वाले थे, अस्वस्थता के कारण आप नहीं आ सके, आपने मुनि श्री भरत कुमार जी को यहाँ सेवा का मौका हमारे को दिया, मैं अर्हत मुनि के प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि मुनि श्री अर्हत मुनि जी ने जब बेंगलोर के उपनगरों में आप विचरण कर रहे थे, उस समय हमारा निवास स्थान मलेश्वरम और यशवंतपुर दोनों निवास स्थान पर आपने हमारे को एक दिन का प्रवास प्रदान कराया, मैं मुनि श्री के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और आपका ये चातुर्मास सभी का मंगलमय हो, इन्हीं आशा के साथ ओम अरहम। ओम अरहम, जिसकी मंद मंद मुस्कान से बड़े मुनि श्री की हम सब की
थकान हो जाती है उड़न छू, वैसे हमारे प्रिय मेरा निवेदन मुनि श्री प्रियांशु, मुनि श्री प्रियांशु। चंदे सुनिम मलय राम आई चे स्वयं पयासय राम सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम ममरि संतु सिद्धा सिद्धिम ममरि संतु। भगवान महावीर स्वामी के चरण वंदन, परम श्रद्धे आचार्य प्रवर के श्री चरणों में वंदन, यहाँ विराजित मुनि श्री रश्मि कुमार स्वामी के चरण वंदन, मुनि श्री भरत कुमार स्वामी के चरणों में वंदन, उपस्थित भाइयों ने आज का यह चातुर्मासिक मंगल प्रवेश परम पूज्य युग प्रदान आचार्य श्री महाश्यमन जी की ही कृपा दृष्टि की ही फलश्रुति है। और उनके साथ मैं कह दूं कि हमारे बड़े महाराज का आशीर्वाद तो हर समय हमें प्राप्त होता रहा था और होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, ऐसा मन में विश्वास है। 2021 में मुनि शासन श्री मुनि श्री धर्मचंद जी स्वामी के महाप्रयाण के बाद हमको भिलवाड़ा में गुरु सन्निधि में रहने का परम अवसर प्राप्त हुआ। नवंबर में गुरुदेव के साथ विहार किया और 2 दिसंबर को कोटा पहुंचे। 2 दिसंबर की रात अरतमन्ना के बाद आचार्य प्रवर ने हमें याद किया, हम और मुनिषी से पूछा कि रश्मि अब कोटा आगे है, आगे क्या? मुनिषी ने गुरुदेव से कहा कि बनते जैसे गुरुदेव की मर्जी वैसे। फिर आचार्य श्री ने मुख्य मुनिषी को लिखवाया और मुनिषी की तरफ मुख करते हुए फरमाया कि मुनि श्री रश्मि कुमार जी कर्नाटक बेंगलोर की ओर विहार करने की वंदना करें। ये भी आपको बता दूं, परम पूज्य गुरुदेव ने जब मुझे फरमाया ना तभी मुझे बेंगलोर का निर्देश था, सीधा कर्नाटक बेंगलोर का। मोक्ष में तो गुरुदेव ने मेरा रास्ता बनाया था कि तेरे को हुबली और हिरियोर का रास्ता गुरुदेव ने बना के दिया था, फरमा तो मुझे बेंगलोर का उसी समय दिया था। और फिर मुझसे गुरुदेव ने मुझे आगे बुलाया और पूछा कि प्रियांशु पहले तुझे मैसूर जाना है या बेंगलोर जाना है? क्योंकि मैसूर के अंदर दादा का घर है और ननिहाल है। तो गुरुदेव ने पूछा कि पहले मैसूर जाना है या बेंगलोर जाना है। मैंने गुरुदेव से कहा कि जैसे गुरुदेव की मर्जी, जहाँ गुरुदेव भेजाएंगे वहाँ ही जाने का भाव है। और फिर गुरुदेव ने मर्दा महोत्सव पर कृपा करके यह विजयनगर का चारमासा हमें दिया। और फिर मैं चल रहा कोटा में 2 तारीख को आचार्य प्रवर ने मुनि श्री को बेंगलोर कर्नाटक की विहार करने का आदेश फरमाया और उसके अगले दिन कोटा के 13 भवन में लगभग 45 मिनट तक गुरुदेव ने जो सेवा कराई, लोग एक एक मिनट के लिए तरसते हैं और हमारा यह भाग्य है, महाभाग्य है कि हमें गुरुदेव का 45 मिनट लगभग पौने घंटे से लेकर 1 घंटे के का अनमोल समय गुरुदेव ने हमें प्रदान किया, हमारी बातों को सुना, हमें सेवा कराई, जो हमारे जीवन का सबसे गोल्डन सेवा थी, ऐसा मैं मानता हूं। लगभग बिहार के 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख और 6 तारीख लगातार 4 दिन तक गुरुदेव ने हम पर कृपा बरसाई फरमाया। और जब विहार करने का समय आया उस समय भी गांव के बाहर विराज कर लगभग 20 मिनट वो सेवा कराई। उस समय भी गुरु कृपा से
जितेंद्र मुनि जितेंद्र कुमार जी स्वामी का पूरा सिंगाड़ा ने मुनि श्री के विधाई पर अपनी गीतिका भी प्रस्तुत की और ऐसी अनोखी विदाई लेकर हम गुरुदेव से विदा लेकर वापस कोटा की तरफ आ गए, क्योंकि गुरुदेव को पहुंचाने 30 किलोमीटर गए और वापस 30 किलोमीटर कोटा आए और फिर शुरू ही एक यात्रा। गुरुदेव की स्पेशल आशीर्वाद और मेजेस्टिक पावर ने हर कठिनाई को हर संकट को खत्म कर हमारी इस यात्रा को सफलतम बनाया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक इन 5 राज्यों में प्रभावक यात्रा संपन्न कर आज मुनिश्री इस 13 पंथ भवन में पधारे हैं। भव्य प्रवेश कर इस 13 पंथ भवन में पधारे हैं और आज के दिन मैं मुनिश्री का अपने ननियाल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मेरा इसका अधिकार है। और आज के दिन मैं मुनिश्री से मुनिश्री के प्रति यही कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ, शुभ कामना करता हूँ कि मुनिश्री ये प्रवास ये चातुर्मास आपका ऐतिहासिक बने और आपके जीवन का एक यादगार प्रवास बन सके। ये चातुर्मास अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण होने जाना है। आज मुनिश्री ने अपने जीवन के 25वां चतुर्मास के लिए 25वां ऐतिहासिक प्रवेश इस 13 पंथ विजयनगर में किया है। इस चतुर्मास में मुनिश्री का जो रजत जयंती वर्ष है, दीक्षा का रजत वर्ष है, वह संपन्न होने अक्टूबर में संपन्न होने जा रहा है और इसका सौभाग्य इस विजयनगर श्रावक समाज को प्राप्त हुआ है। इस चातुर्मास के लिए मुनिश्री ने लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा की और लगभग 40 से अधिक गांवों को, शहरों को, 13 पंथ जहां 13 पंथ के परिवार प्रवासित है उन सबका स्पर्शना करते हुए, स्पर्श करते हुए, प्रभावना करते हुए धर्म संघ की मुनिश्री आज यहाँ पधारे हैं। यह चातुर्मास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुनिश्री का पहला चातुर्मास होगा, पहला मतलब पहला स्वतंत्र चातुर्मास होगा। इससे पहले मुनिश्री धर्मचंद जी स्वामी पीयूष का सानिध्य हमको मिला और उसके बाद भीलवाड़ा में गुरुदेव के सानिध्य में चातुर्मास करने का मौका मिला और गुरुदेव ने कृपा कर पहला चातुर्मास ही मुनिश्री का इस विजयनगर बेंगलोर जैसा क्षेत्र मुनिश्री को प्रदान किया है। यह हमारा सौभाग्य है। यह चातुर्मास मुनिश्री का पहला चातुर्मास है और मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि मुनिश्री यह चातुर्मास सर्व कल्याणी बने, यही मंगल कामना, शुभ कामना और मेरा भी इस चातुर्मास में विकास होता रहे, यही आपसे आशीर्वाद मांगता हूं।